हेलो एवरीवन, आज है 3 अगस्त 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया के शेयर के बारे में। शेयर आज 69 रुपये 55 पैसे पे बंद हुआ। 3% की तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या हो सकता है इंजीनियर्स इंडिया का शॉर्ट टर्म टारगेट? क्या है शेयर से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालता हूँ। दोस्तों, अगर इंजीनियर्स इंडिया के शेयर की बात की जाए तो आज दिन के बहुत बड़े हिस्से में शेयर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, पर 2 बजे के बाद शेयर में एक स्पाइक देखने को मिला और शेयर 3% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। वैसे भी अगर शेयर के 1 महीने के ग्राफ को देखा जाए तो ओवरऑल शेयर में एक तेज़ी रही है। शेयर 1 महीने पहले करीब 58-59 रुपीज़ के प्राइस टारगेट में ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने में शेयर में एक तेज़ी देखने को मिली है और अभी शेयर 69 रुपीज़ 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इंजीनियर्स इंडिया की दोस्तों बात की जाए तो 52 वीक लो 56 रुपये का है, जबकि हाई है 82 रुपये 50 पैसे का। इस शेयर के फंडामेंटल्स पर अगर नज़र डालें तो मार्केट कैप है 3,794 करोड़ का, पी रेशियो है 27.22 का, आरओई है 7.93% का और बुक वैल्यू है 31.49 का। फाइनेंशियल्स देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा शेयर का और मैं प्रॉफिट की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। और मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 79 करोड़ 13 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है, और अगर मैं मार्च 2021 क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो ये बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि मार्च 2021 क्वार्टर में कंपनी ने 24 करोड़ 93 लाख रुपये का प्रॉफिट दिया था। तो ये एक जंप देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। अगर मैं मार्च 2022 क्वार्टर की बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर से भी एक जंप देखने को मिला है मार्च क्वार्टर में। तो कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे तो अच्छा कर रही है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं फ्रेंड्स, तो रेवेन्यू में एक डिक्रीज देखने को मिला है। 1,132 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का मार्च 21 क्वार्टर में, जो डिक्रीज होकर 818 करोड़ का हो गया है मार्च 2022 क्वार्टर में। तो रेवेन्यू में एक डिक्रीज देखने को मिला है, पर प्रॉफिट में कंपनी के इंक्रीज देखने को मिला है मार्च क्वार्टर में। जून क्वार्टर का रिजल्ट कैसा होगा ये आने वाले टाइम में देखेंगे फ्रेंड्स। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के तरफ ले जाना चाहता हूँ, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.32% की है, FIS की 7.11% की, म्यूचुअल फंड की 5.20% की और रिटेल एंड अदर्स की 28.95% की, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 7.42% की। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के थोड़े और डिटेल में जाऊं तो SBI स्मॉल कैप फंड, जो कि एक नामी म्यूचुअल फंड है, उसका 0.57% ऑफ द टोटल AUM की हिस्सेदारी है इस पर्टिकुलर शेयर में। HDFC स्मॉल कैप फंड का 0.48 और HDFC रिटायरमेंट एंड सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ का 0.44। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न फ्रेंड्स। FIS की हिस्सेदारी 7% के आसपास और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 5.20% की। अगर इंजीनियर्स इंडिया के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाए फ्रेंड्स, तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1965 में स्टैब्लिश हुई है। मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रीमती वर्तिका शुक्ला, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और अगर इसके काम की तरफ ध्यान दिया जाए फ्रेंड्स, तो ये कंपनी बहुत सारे फील्ड्स में है। कंपनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम करती है और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है ये। द कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूड हाइड्रोकार्बन, केमिकल्स, फर्टिलाइजर। तो कंपनी हाइड्रोकार्बन में है, केमिकल्स में है, फर्टिलाइजर्स में है, माइनिंग में है, मेटलर्जी में है, पावर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। हाइड्रोकार्बन बिजनेस में कंपनी पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ऑनशोर ऑयल एंड गैस, ऑफशोर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज और पोर्ट एंड टर्मिनल्स में है। केमिकल और फर्टिलाइजर बिजनेस में पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का बिजनेस है। इट्स सर्विस बिजनेस इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज, प्री फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन एंड एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शंस एंड स्पेशलाइज सर्विसेज। तो कंपनी काफ़ी फील्ड्स में ऑपरेट करती है फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकती है। जैसा कि मैंने बोला कि पिछले 1 महीने में इस शेयर में एक
पॉजिटिव अप मूव देखने को मिला है, और ऐसे में ये शेयर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 75 से 78 रुपए का प्राइस टारगेट दिखा सकता है। वैसे भी सरकारी कंपनीज के शेयर में पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिली है, और इंजीनियर्स इंडिया का शेयर मुझे लगता है अभी भी एक सस्ते रेट पे मिल रहा है। ऐसे में 75 से 78 रुपए का ये प्राइस टारगेट दिखा सकता है। दोस्तों, ये मेरा अनुमान है शेयर के बारे में। शेयर खरीदने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिए, उसके बाद ही शेयर खरीदिए। पर मुझे लगता है कि इंजीनियर्स इंडिया का शेयर एक अप मूव में है, और किसी भी मार्केट के करेक्शन में इस शेयर को खरीदा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में ये शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। दोस्तों, ये था मेरा असेसमेंट इंजीनियर्स इंडिया को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अगर आप एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो जीरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। जीरोधा इंडिया की नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। तो अगर आप एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो जीरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।